शराब की कंपनी दिख रही है जो एक दिन पहले बरामद हुई थी। शराब की बरामदगी को लेकर दीघा थाना अध्यक्ष को के विरुद्ध गुणगतनी समाचार बटुए, पटना से बड़ा खबर आ रहा बटुए। पटना में जब्त भइल रहे 1 करोड़ के शराब, कुछ बोतल बैरक में मिलल, नप गइले से चोआ दरोगा पुलिसकर्मी पे लागल शराब चोरावे के आरोप। कई जाना भइल बने गिरफ्तार, खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर। नया बानी तो बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। सिटी SP सेंट्रल के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। ऐसे तो बिहार में शराबबंदी बटुए, शराब पियल पिलावल बनावल बेचल कुल कानून जुर्म बा। पुलिस पे शराबबंदी के सफल बनावे के जिम्मेवारी बा, लेकिन पटना में पुलिसकर्मी पे ही शराब चोरी के आरोप लागल बा। आरोप लगला के बाद SSP थानेदार के सस्पेंड कर देनी, जबकि दरोगा समेत 2 जना के गिरफ्तार कर लिहल गई। मामला राजधानी के दीघा थाना क्षेत्र के ह। एजा थाना के बैरक से शराब बरामद भइल बटुए। बतावल जा रहल बा कि एकरा के खपावे के तैयारी रहे, लेकिन एकरा पहले केहू SSP के एकर सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिहलस। एकरा बाद ही बड़ा कार्रवाई भइल बटुए। दरअसल 2 दिन पहले पटना के दीघा थाना क्षेत्र में करीब 1 करोड़ रुपया के शराब बरामद भइल रहे। इ पंजाब से ले आवल जा रहल करीब 1000 कार्टून शराब पुलिस जब्त कैले रहे। एकरा साथे साथ पुलिस एगो ट्रक आ 6 गो पिकअप वैन भी जब्त कैले रहे। बतावल जाता कि नया साल के मौका पे शराब के बड़ा खेप के खपावे के तैयारी रहे। एक तरफ पुलिस शराब बरामदगी के बड़ा कामयाबी मानत रहे, वही जे कुछ पुलिसकर्मी शराब के चोरी कर के बैरक में छुपा के रखले रहन। एक और शिकायत केहू SSP से कह दिहलस। पटना SSP सिटी के दीघा थाना के तलाशी लेवे खातिर कहलन। SP सिटी जब दीघा थाना के बैरक के तलाशी कैले तो वहीजा से जब्त शराब के बोतल बरामद हो गई। दीर्घा SHO सस्पेंड, दीघा SHO जौन रहन थानेदार उ सस्पेंड हो गई रहन। शराब मिलना के बाद SSP कार्रवाई करत तत्काल प्रभाव से दीघा थाना के थानेदार रामप्रीत पासवान के सस्पेंड कर दिहलन, जबकि दरोगा फूल कुमार चौधरी के गिरफ्तार कर लिहल गई। एकरा साथे साथ थाना के एगो चालक के भी गिरफ्तार कैल गई बटुए। SSP कहनी कि गंभीर अपराध मामला में SSP राजीव कुमार मिश्रा कहनी कि शुरुआती जांच में दोषी पावल गई पुलिसकर्मी के सस्पेंड कर दिहल गई बटुए। साथे साथ दरोगा के गिरफ्तार कैल गई बटुए। शिकायत मिलला के बाद यह मामला के गंभीरता से लिहल गई। यहाँ के कहनी कि मामला गंभीर अपराध के श्रेणी में आवेला। SSP कहनी कि जहाँ कहीं भी पुलिसकर्मी के शराब में संलिप्तता के बात सामने आई, उनका खिलाफ कार्रवाई कैल जाय। तो यह तरीका से बड़ा कार्रवाई पटना में भइल बटुए, जहाँ भारी मात्रा में शराब के बोतल तब पकड़ाई, लेकिन अब शराब के बोतल में से कुछ दरोगा जी या कुछ सिपाही जी लोग खपावे के फेरा में रहे, लेकिन खपावल इ लोग के महंगा पड़ गई। दरोगा जी तो गिरफ्तार हो गई ले, सिपाहियों जी गिरफ्तार हो गई ले, या थानेदार जवन बा सस्पेंड कर दिहल गई बड़े। भोजपुरिया समाचार अब बयान सुनावे जा रहा बटुए SSP के, सुनी। 26/11 को दीघा थाना क्षेत्र में 2 कांडों में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। इसी बरामदगी को लेकर व्हाट्सएप पर एक शिकायत मिली थी, जिसकी जांच कराएगी। जांच के क्रम में थाना में जो बैरिक हैं उनमें जब जांच की गई, तलाशी की गई, तो उसमें काफ़ी अमाउंट में शराब मिली। प्रथम दृष्टया वो शराब देखने में वही शराब की कंपनी दिख रही है जो एक दिन पहले बरामद हुई थी। शराब की बरामदगी को लेकर दीघा थाना अध्यक्ष को के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई व उनको निलंबन किया गया है। साथ ही साथ चालक सिपाही राजेश कुमार, चालक होमगार्ड चंदन, होमगार्ड सुरेंद्र प्रसाद व सब इंस्पेक्टर फूल कुमार चौधरी के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। और इसमें से फूल कुमार चौधरी व राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू कर दिया गया है, शराब कौन से बैच की थी व इसमें कैसे कहाँ गलती हुई, ये पूरा अनुसंधान का विषय है। और इसमें विस्तृत अनुसंधान करके
आगे बताया जाएगा।